का आज लास्ट एग्ज़ाम है अरबिक, तो उसका ट्यूशन चल रहा है अभी सुबह 12:30 को, उसको ड्रॉप करने जा रहा है मुझे स्कूल। उसके बाद मैं आके वापस आज मैं स्टूडियो जाऊंगा जल्दी, क्योंकि आज मेरा जो स्टूडेंट्स है 2 बजे से लेके आज 9 बजे तक है, तो आज थोड़ा काम है। यूजुअली फ्राइडे, आज कल मेरे को थोड़ा काम है, फ्राइडे तो कल छुट्टी है, कल से लेके संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है। अभी आज यावन के लिए बनाना है टोस्ट, क्योंकि पैम का तबीयत है खराब भैया, लग जाओ। Just ask for milk. It's okay. Have this. If you cannot eat, I'll eat. My healthy son. चलिए भैया, मेरे लिए भी टोस्ट हो गया और ब्लैक टी। और मैं कुछ देख रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री मरकुरी के बारे में। हाँ भैया, तो आज का जो ताज़ा खबर है ये है कि GCC में जितना भी लोग हैं रेजिडेंट्स, जैसे हम लोग हैं, मतलब हम लोग खारजी लोग हैं, सेम रेजिडेंट जो इधर रह रहे हैं, जो नेशनल्स नहीं है, उनके लिए अब GCC के अंदर ट्रैवल करने के लिए बिना वीज़ा का वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे शेंगन वीज़ा हो गया वैसे टाइप। तो ऐसा वाला वीज़ा सिस्टम निकलने वाला है, तो अगर आपको सऊदी जाना हो या बहरीन जाना हो या ओमान मस्कत कहीं पर भी जाना हो विज़िट करने के लिए, आप वो एक वीज़ा में ही जा सकते हो। तो ये एक अच्छा मूव है, मुझे लगता है कि हम लोग इसी के अंदर ही फंस जाते हैं UAE में, तो UAE के अंदर तो हम लोगों को पे करके जाना पड़ता है, जैसे ओमान हो गया, सलाला हो गया, बहरीन जाना है, कुवैत जाना है, तो एक ही वीज़ा के अंदर आप लोग जा सकते हो। विच इज़ अ गुड न्यूज़, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी भी वो लोग चर्चे पे हैं। अभी आविन को स्कूल छोड़ के वापस घर जा रहा हूँ। आज का तो ज़्यादातर मेरा एक्शन स्टूडियो में रहेगा, क्योंकि 2 बजे से मेरे को आज स्टूडेंट्स का क्लास है। गर्मी दुबई में अभी भी आज 39 दिखा रहा है, अभी थोड़ी देर में बढ़ जाएगा शायद, अभी हो गया है 12:35, तो 2 बजे तक 3 बजे तक थोड़ा बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ा नहीं तो अच्छी बात है कि आज से गर्मी थोड़ा कम होने लग गया, कल 43 था। चलो भैया चलते अब स्टूडियो, मैं हो गया अभी नहा धो के तैयार। ये देखो गाड़ी कहाँ खड़ा किया आज मैंने, क्योंकि उधर वो लोग ये AC का सफाई कर रहे थे, उन्होंने बोला इधर खड़ा करने के लिए, थोड़ा बहुत गर्म हो गया इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ अभी, थोड़ा उसको जो है हवा सर्कुलेशन होने के लिए।
बहुत गर्म हो गया। ये देखिए ये है एसी हमारे बिल्डिंग का जो है ना, तो ये सब एसी वो लोग महीने में एक बार पानी डाल के पूरा सफाई करते हैं, और मुझे मेरा गाड़ी इधर खड़ा करना पड़ा बिल्डिंग, बहुत धूप है यार। चलिए चलते हैं स्टूडियो अब। थोड़ा एसी डाल देते भैया, सीट बहुत गर्म है, थोड़ा बंद कर देता हूँ। हाँ एक चीज़ है, धूप बहुत तेज है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत कम हो गया अभी पहले के हिसाब से। अभी देखो उतना पसीना नहीं निकल रहा जैसे ह्यूमिडिटी में निकलता है, पूरा चिपचिप हो जाता है, वो तो नहीं है एटलीस्ट। भाई साहब आज मुझे लग गया 45 मिनट्स, मतलब घर से इधर तक, वो भी टॉल गेट लेके, इतना ट्रैफिक था। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द हॉलीडे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, पब्लिक सब जल्दी जा रहा है घर। ओफो अभी भी मैं देखो रास्ते में अटका हूँ, एंड होपफुली अभी मुझे और 10 मिनट लगेगा स्टूडियो पहुँचने के लिए, और उधर स्टूडेंट भी नहीं आया अभी तक। तो मैंने स्टाफ को बुला के पूछा तो बोला कि स्टूडेंट भी नहीं आया अभी तक, वो भी फंसा होगा आई एम श्योर। तो आज मैं एक्चुअली आया था स्टूडियो, बस एक ही स्टूडेंट आया, उसके बाद एक भी स्टूडेंट नहीं आया, क्योंकि कल छुट्टी है और बाहर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण हो सकता है कि आज बच्चे लोग आए नहीं। तो मतलब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक था एक स्टूडेंट, 4 बजे के बाद कोई भी स्टूडेंट नहीं आया। अभी 8 बज गया, कोई भी नहीं आया। तो 9 बजे तक था मेरा क्लास, लेकिन अब वापस जा रहे हैं हम लोग। अब फ़ायदा नहीं है देख के, बिकॉज अब मेरे को नहीं लगता कि कोई आने वाला है, ना किसी ने बताया भी आज आने वाला नहीं आने वाला। तो चलते अभी घर, 3 दिन का छुट्टी है, कुछ ना कुछ व्लॉग्स बनाएंगे हम। ये देखो वापस घर जाने के तरफ अभी दिखा रहा है अभी 32 मिनट, जब मैं निकला 45 मिनट दिखा रहा था, अभी 32 मिनट घर तक ये ट्रैफिक है। पब्लिक सब बाहर अपना गाड़ी लेके निकली है, छुट्टी है 3 दिन का, सबको जाना है अपना गाड़ी लेके बाहर, यानी कि घर बैठा रहे। अबे यार चलिए काम के बाद तो पहुंच गया हम घर। अभी ऑलरेडी पैम और याविन का तो सोने का टाइम हो गया, याविन भी सो गया। मैं आया थोड़ा एक दो अपना ड्रिंक ले लिया, उसके बाद न्यूज़ देख रहा था और अपडेट्स, एक एक अपडेट्स देखता हूँ मैं, दैट्स माई डेली लाइफ रूटीन। अब कल जो चिकन मैंने जो बनाया था वही मुझे खाना पड़ेगा, बिकॉज पैम से खाने को नहीं हो रहा और यावन से भी नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही खा लेता हूँ। तो कल मैंने रात को बनाया था चिकन ब्रेस्ट, लेके आया था तो मैंने बना के रखा था, तो उसको थोड़ा गर्म कर देता अभी हमें किधर किधर। तो वही है अभी इसी को ही गर्म करके मुझे ही खाना पड़ेगा। इसमें मैंने बिल्कुल क्या बोलते हैं अपना ओनियंस नहीं डाला, सिर्फ टमाटर से बना है, इसलिए आपको ये पूरा लाल लाल दिख रहा है, नाइस भरता जैसा आय है। और ये मैं खाऊंगा खुबूस के साथ। और अगर आप सोच रहे हो खुबूस क्या है, खुबूस है एक्चुअली अरबिक ब्रेड। अब चपाती वपाती बनाने का भाई टाइम तो हमको मिलेगा नहीं, अरे यार, तो उसको खुबूस बोला जाता है। ये सस्ता होता है ब्रेड, तो फ्रेश मिलता है डेली, और इसको हम थोड़ा गर्म करके इसको अपने चिकन के साथ खाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं आज मेरे जो है वीडियो थोड़ा अलग क्वालिटी में है, बिकॉज मैं एक्चुअली सोनी एक्सपीरिया 5 Mark III में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक्चुअली HLG मोड पे, विच इज़ HDR मोड पे, लेकिन HDR पे नहीं करूँगा, उसको बाद में कन्वर्ट करके HDR करके कलर करेक्शन करूँगा और थोड़ा बहुत अपना स्टाइल डाल दूँगा। मैं चिकन गर्म हो रहा भाई मस्त। तो दोस्तों आज तो इतना ही, आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, मुझे भी नींद आ रहा है, खाना खा के मैं सोने वाला हूँ। कल कुछ नया चीज़ है अपने पास, क्योंकि गाड़ी का थोड़ा काम करने का हमको, और मैं उसको कैसे ठीक करता हूँ आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, धन्यवाद। साहब ये चिकन का तरी देखो, मन कर रहा ना खाने के लिए,
यही है खाना, यही मैं बनाता हूँ मस्त मुगलाई, पूरा मुगलाई खाना है।